साथ सभी का स्वागत है एक नई वीडियो में। फ्रेंड्स, इस वीडियो के अंदर बात करना लोग विदाउट FRP लॉक कैसे आप इसको रीसेट कर सकते हैं, वो भी अपने मोबाइल को। तो चलिए मैं आपको बताता हूँ। सबसे पहले आपको सेटिंग में जाना होगा। सेटिंग में जाने के बाद आपको फ़ोन वाले ऑप्शन पर क्लिक करना होगा। इस पर क्लिक करने के बाद आपको ऑल स्पेस पर क्लिक करना होगा और MIUI वर्जन पर 3-4 बार टैप करना होगा। उसके बाद यहाँ से बैक करना है और यहाँ पर एडिशनल सेटिंग में जाना है। सेटिंग में दोबारा से जाने के बाद और बैक करने के बाद आपको यहाँ पे डेवलपर मोड दिखेगा, इस पर क्लिक करना है। इस पर क्लिक करने के बाद अगर ये OEM अनलॉक ऑन होगा तो इसको ऑन कर दीजिएगा। उसके बाद आपको USB डबकिंग मोड को ऑन कर लेना है और यहाँ से एक्सेप्ट का ऑप्शन आएगा। 3 सेकंड तक आपको रुकना होगा तब आ जाएगा। तो आ गया है, उसके बाद एक्सेप्ट पे क्लिक कीजिए और यहाँ ऑन हो गया। इसी प्रकार से आप ऑन करने के बाद आप इसको फिर से आपको बैक कर लेना है। बैक करने के बाद एक बार और बैक करना है और फिर से आपको एडिशनल सेटिंग पे क्लिक करना है और यहाँ से बहुत सारे ऑप्शंस देखने को मिलता है। तो यहाँ पे रीसेट का ऑप्शंस नहीं देखने को मिलता है। तो आप क्या कर सकते हैं, यहाँ पे सर्च में लिख सकते हैं रीसेट। जैसे ही लिखेंगे तो फैक्ट्री रीसेट ऑप्शन आ जाएगा, फैक्ट्री रीसेट भी लिख सकते हैं। उसके बाद इरेज ऑल डेटा पे क्लिक करना है, जो भी लॉक हो उसको ड्रॉ कर देना है और यहाँ पे कुछ सेकंड में आपका जो फैक्ट्री रीसेट होने के लिए तैयार हो जाएगा। तो यहाँ पे 5 सेकंड तक आपको रुकना होगा, उसके बाद आपका जो विदाउट FRP लॉक रीसेट हो जाएगा फ़ोन। उसके बाद एक बार और आएगा 10 सेकंड तक, क्योंकि ये चाहता है कि आपका फ़ोन रीसेट ना हो। अगर गलती से कर रहे हैं तो आपके पास चांसेस होता है कि आप इसको कैंसिल कर दें। उसके बाद ओके पे क्लिक कीजिए और ये आपका फ़ोन रीसेट होने के लिए तैयार हो जाएगा। तो आप देख सकते हैं क्विकली आपका ये इस तरीके का इंटरफेस आ रहा है। तो थोड़ा वेट करना है और आपका फ़ोन रीसेट होने के लिए तैयार हो जाएगा। तो आप देख सकते हैं यहाँ पे रेडमी लिखा हुआ आ गया है और बाकी का ऑप्शंस मैं आगे बताऊंगा कि कैसे करना है। तो आप देख सकते हैं यहाँ पे रिबूट होना मतलब ये है 100 तक जाएगा यहाँ पर। जब तक आप वीडियो को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। तो आप देख सकते हैं ये हो गया है और यहाँ पे रेडमी फिर से लिखा हुआ आ गया। इसी प्रकार से आप अपना किसी भी फ़ोन को रीसेट कर सकते हैं। तो थोड़ा वेट करते हैं, बाकी ये इसी तरीके से रहेगा कुछ टाइम तक और उसके बाद आपको सेटअप करना बताऊंगा। और ये यहाँ पे MIUI लिखा हुआ आ गया और इसी तरीके से रहेगा कुछ देर तक। तो थोड़ा वेट करना है। तो फ्रेंड्स, ऐसे ही 5 मिनट तक करीब करीब रहेगा, तो थोड़ा वेट करें और देखते हैं आगे का ऑप्शन सेटअप कैसे करते हैं सेटअप, वो भी बताऊंगा आपको। तो जब तक चैनल को सब्सक्राइब और वीडियो को लाइक कर, थोड़ा वीडियो को पॉज कर देते नहीं तो वीडियो लंबा हो जाएगा। तो फ्रेंड्स, आपको इस तरीके का इंटरफेस दिखेगा। आप देख सकते हैं रीसेट हो गया, 5 मिनट बाद ही ये ऑप्शन आ गया है। उसके बाद नेक्स्ट पे क्लिक करना है, ये सेटअप करना है इसको बोलते हैं। सिम डाला होगा तो सिम को निकाल लीजिएगा, मेरा आप देख सकते हैं। और यहाँ से लैंग्वेज सेलेक्ट कर सकते हैं, मेरा इंग्लिश है। उसके बाद नेक्स्ट पे क्लिक कर दीजिए। उसके बाद कंट्री भी सेलेक्ट कर सकते हैं और मेरा इंडिया है तो मैं इंडिया सेलेक्ट कर लिया हूँ। और यहाँ पे सेटिंग रिकॉग्नाइज का ऑप्शन आ जाता है। उसके बाद आपको यहाँ पे इन दोनों पे टर्म्स पे क्लिक कर लेना है आपको। उसके बाद नेक्स्ट पे क्लिक कर देना है। उसके बाद सेटअप स्किप का ऑप्शन आएगा तो नेक्स्ट कर देना है। और यहाँ पर फिर से स्किप का बटन आएगा तो आपको इस पर स्किप कर देना है। स्किप करते ही इन सभी को बंद कर देना है। उसके बाद एक्सेप्ट पे फिर से क्लिक करना है। याद रखिएगा जहाँ जहाँ मैं जो जो क्लिक कर रहा हूँ वही करना है। उसके बाद स्किप पे क्लिक करना है और यहाँ से आपका जो भी ये वाला ऑप्शंस है इन सबको ऑफ कर देना है, टर्न ऑफ। ये है, इस साइड है ऑफ, तो इस पर क्लिक किया मैंने और इस पर भी क्लिक किया। उसके बाद ये सभी को बंद करने के बाद जैसे जैसे मैंने किया वैसे क्लिक करने के बाद नेक्स्ट कर दीजिएगा। उसके बाद ये बोल रहा है कौन सा थीम चाहिए, तो मैं आपको बोलूँगा ये क्लासिक वाला ही रहने दीजिएगा। उसके बाद नेक्स्ट पे क्लिक कीजिएगा और यहाँ पे पूछ रहा है इनमें से कौन सा, तो मैं ये वाला सेलेक्ट कर लेता हूँ, डार्क कलर वाला। आप चाहे तो कोई और सेलेक्ट कर सकते हो। उसके बाद तीर पर क्लिक करेंगे, कम्प्लीट हो गया सेटअप। उसके बाद नेक्स्ट कर दीजिए और ये आपका फ़ोन का सेटअप हो चुका है। तो इसी प्रकार से आप अपने फ़ोन को रीसेट कर सकते हैं विदाउट FRP लॉक। और वीडियो पसंद आए तो लाइक कीजिएगा, चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा, एक बार फिर से बता रहा हूँ, नहीं तो आप भूल जाते हैं तो सब्सक्राइब करना भूल जाते हैं। यहाँ पे ऐप लोडिंग दिखा रहे तो थोड़ा वेट करें और जस्ट सेकेंड्स का ऑप्शन दिखा रहा है। तो थोड़ा आप देख सकते हैं आपका जो फ़ोन है वो रीसेट हो चुका है
और इसी प्रकार से आप कर सकते हैं। तो गाइस कैसा लगा वीडियो प्लीज़ कमेंट में ज़रूर बताइएगा। मिलते हैं ऐसे इंटरेस्टिंग वीडियो के साथ, तब तक के लिए नमस्कार।